अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज बन रहा है वेजिटेबल रायता। ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, दही है 1 kg, साथ में ये मसाला जाते हैं हमारे पास। वेजिटेबल्स कौन कौन सी ली हैं? सबसे पहले हमने ली हैं उबले हुए आलू, उबाल के अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी कटिंग की है। टमाटर काट लिया बारीक, बंद गोभी, प्याज को काटा हमने बारीक बारीक। उसके बाद मटर है, इनको हमने बॉईल कर लिया। गाजर है, इसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया। और उसके बाद खीरा है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। दही को अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है और ये मसाला जात है। इन तमाम चीज़ों को हमने दही के साथ मिक्स करके अच्छे से वेजिटेबल रायता बना लेना है। ये वेजिटेबल रायता जनाब आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, स्पून के साथ खा सकते हैं। वो लोग जो स्पेशल अपना वज़न कम कर रहे हैं, वो अपनी पसंद की वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करके दही के अंदर वो दोपहर के खाने में या रात के खाने में, एक टाइम के खाने में आप उसको ले सकते हैं। सो जनाब, सबसे पहले ये मसाला मिक्स करते हैं। इसके अंदर मसाला जात मैंने आपको दिखाए। मसाले में कौन कौन से मसाला लिए? नमक लिया है, ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। इसके अलावा मसाला जात आप अपनी पसंद के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। जो मसाले आपको पसंद हैं वो आप इस रायते में डाल सकते हैं। ग्रीन चिल्ली पीस के आप डाल सकते हैं, पुदीना आप पीस के डाल सकते हैं, धनिया आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आप इसको पसंद हैं आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स भी आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर कुछ भी, आप शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं बारीक कटिंग करके, आप टर्निप को कद्दूकस करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने ये वाली वेजिटेबल्स ली हैं और ये वाले मसाला लिए हैं, जो कि हमने दही को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर डाल लिया है। सबसे पहले ये मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये मसाले ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मसाले हमने दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं, फेंट लिए हैं। अब उसके बाद हम ये सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये सारी वेजिटेबल हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर डाल ली हैं, अब अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके जनाब हमारा रायता, वेजिटेबल रायता रेडी हो जाना है। सो जनाब, कलरफुल सा प्यारा सा दिखने वाला हमारा रायता तैयार हो चुका है। ग्रीन, रेड, वाइट, ये प्यारे प्यारे से कलर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। बनाने में बहुत आसान, इंतहाई आसान रेसिपी और झटपट बन जाता है। तैयारी में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। नहीं ली फटाफट वेजिटेबल्स कट की जनाब इसके अंदर डाली। सोचना दोपहर में, शाम में रोटी, चावल, बिरयानी, शामी कबाब, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। आप इसे स्पून के साथ वैसे भी खा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से खाना है। सोचना, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।